बोल कर जाओ, तराजू में तोल दे सोने तोल कर, 5 पेटी 10 पेटी चाहिए कॉल पर, तभी तो आएगा आने वाला टीवी वाले शो पर। सुनो 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 गौर से, सुनो गौर से, भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से, यो तेरा भाई खतरनाक मैरियो पटना बिहार से 8,05,000 से, मैं विश्वास यहाँ कोई ना देता किसी का साथ, उठा विवाद न्यूयॉर्क 1970 में, अरे गोरे और कालो में तब से चली लगी हिप हॉप की बात, बीट बॉक्सर से डीजे की बात, ग्राफिटी भी बोइंग एमसी है खास, भाई पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक नहीं है आसिक, मैं ठहरा मंद मिजाज, मेरे गले को ना ठंडक मिला, कहीं भी शुरू हो जाता मैं सबका कर देता पैंट में गीला, क्यों आजकल का ये जमाना, मेहनत की हो पैसे ना मिल पाना, लेने जाना आजकल परसों कह के टड़काना, रोज का है नया बहाना, सबको तुम मामू बनाना, अरे स्कूल हो या कॉलेज, कॉलेज हो या नौकरी, हर जगह बस घुस खाना, अमीर के बच्चे पास, गरीब के बच्चे साफ, बाकी बच्चे हाफ, सब बनते बाप करते खुद करते पाप करते, मुझे दो इंसाफ, बेटा कोई नहीं इंसान, सब बनता जा रहा है, इंसानियत हो चुकी है, सब कर एक दूसरे के शिकार, जो भी बच्चा इंसान आगे बढ़ना चाहे उसे अपने लोग ही कर रहे बर्बाद, क्यों, क्योंकि कर भी एक बात है सच्ची बात है, हमारे देश का नेता की नीयत ना साफ है, ना किसी का खास है ना किसी का पास है, सबको नोटों की तलाश है, ना किसी के सुनते ना किसी के करते, जब वोटों की बारी आए तो सारे आपस में लड़ते धरते मरते। नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। इस देश को संभावनाओं का देश कहा जाता है और इस इंडिया में मौसीकी की बड़ी जगह है, बॉलीवुड के जो गायक गुजरे या जो नए लोग हैं उनमें दीवानगी इसलिए कम हुई है कि रैप ने अपनी जगह बनाई है, बॉलीवुड में बादशाह हो या हनी सिंह हो उसके हर शख्स दीवाने हैं, लेकिन राजधानी पटना में भी एक ऐसा नाम जो शायद इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों में जगह बना रहा है, और ख़ास बात यह है कि चाय के साथ अपना एक अंदाज है रैप का, और आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी पटना के इस इलाके में यहाँ युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद है इस चाय की दुकान पे, और यहाँ लोग चाय की चुस्की कम लेने आते हैं, इनका गाना सुनने ज़्यादा आते हैं, रैप के अंदाज में इनका अपना क्या कटाक्ष है, आइए हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है और कितने दिनों से ये कारोबार आप कर रहे हैं। मेरा नाम घर का तो सोनू कुमार है, बट स्टेज नेम मैरियो रैपर है, मैं ये चाय की दुकान 4 महीने से कर रहा हूँ, वो भी मनोज भैया के सपोर्ट से, उन्होंने ही सब चीज़ करवाया, मन तो नहीं था करने का क्योंकि मैं रैपर हूँ ना यार, मज़ा नहीं आएगा, लोग क्या कहेंगे, पर उस चीज़ को काटते हुए, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं आज तक यहाँ तक आ पाया हूँ। आपको लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री भी चाय का कारोबार करते थे, चाय बेचते थे, तो शायद आपको लगता है कि आपकी कामयाबी इसी रास्ते है और शायद आपने चाय के साथ इस प्रोफेशन को भी जारी रखा है। अगर किसी इंसान का कामयाबी तय है तो रास्ते का सफ़र जारी रखना, वो सफ़र कैसा भी क्यों ना हो, वो कांटा हो या रेत हो या सड़क हो या गड्ढा हो या ऊंचा हो, सफ़र अगर मंजिल तक जाना है तो भैया कांटे का सफ़र तो काटना है, ये मेरा कांटा है, कुछ भी मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, सब कांटा है, अपने लाइफ का एक कांटा है जो लड़ो और चलो। सोशल मीडिया पे आजकल आप वायरल हैं, लोग तरह तरह की आपके जो अंदाज है उसको शेयर कर रहे हैं, और हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, हमारे दर्शक आपसे वो सुनना चाहेंगे रैप किस अंदाज में आप कटाक्ष करते हैं, किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं आप। मैं तो सारे भाई लोगों का 6 वाली 10 वाली चाय है क्या, हर एक बात पे क्या मेरा भाई, भाई ने बोला मेरा 6 वाली 10 वाली चाय भी पिला दे तू मेरा भाई, इतने सारे पब्लिक मेरे ही साथ में, हर एक बात पे छुपा है राज में, एक एक राज में बोला मैंने बात में, कलम और कागज से लिख दिया इतिहास में। और क्या कुछ आपने और दूसरे विषय पर भी आपने लिखा है सुनाया है, ऐसा देखा है मैंने भी। तो आजकल जो लड़का घर से निकलता है पढ़ने के लिए उन पे लिखा हूँ, आया हूँ घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाई लेता है खर्चे, टेंशन है सर पे बिना खर्चे ही किया तू लेता है खर्चे। तो फिर मैं दिल्ली में जॉब करता था और पैसे उसे था नहीं, तो जाता था लेने के लिए, महनत किया वो साला पैसा नहीं मिलता था, 1 महीने 2 महीने टरकाता था, तो उस पर भी लिखा था, आजकल का ये है जमाना, मेहनत की हो पैसे ना मिल पाना, लेने जाना आजकल परसों कह के टड़काना, रोज का है नया बहाना, सबको तुम मामू बनाना, अरे स्कूल हो या कॉलेज, कॉलेज हो या नौकरी, हर जगह बस घुस खाना, अमीर के बच्चे पास, गरीब के बच्चे साफ, बाकी बच्चे हाफ, सब बनते बाप करते खुद करते पाप करते, मुझे दो इंसाफ, बेटा कोई नहीं इंसान, सब बनता जा रहा है, इंसानियत हो चुकी है, सब कर एक दूसरे के शिकार, जो भी बच्चा इंसान आगे बढ़ना चाहे उसे अपने लोग ही कर रहे बर्बाद, क्यों,
क्योंकि कर भी एक बात है, सच्ची बात है, हमारे देश का नेता का नीयत ना साफ है, न किसी का खास है, न किसी का पास है, सबको नोटों की तलाश है, न किसी का सुनते, न किसी के करते। जब वोटों की बारी आए तो सारे आपस में लड़ते धरते मरते। हमें सरकार से दरखास्त है, सारे पावर आपके पास है, तो क्यों एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश की तलाश में है? सर सब टाइम पास है, वादे किए थे आपने विदेशों से पैसे लाएंगे, जनता के खाते में जाएंगे, क्या ये सब हुआ? नहीं ना। यहाँ बीटेक वाले 8 लाख खर्च करके 8,000-18,000 में खटे जा रहे हैं दिन रात, कब तक चलेगा हमारे इस देश में? हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। अरे बीटेक डिप्लोमा हो के पास यहाँ रोडों पे बिकते किताब, एजुकेशन को पैसे पे तोलते, यहाँ सरकार दो मुझे जवाब। तो मतलब आप अपने अंदाज में सरकार से भी जवाब मांग रहे हैं, और जो जनहित के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर भी आपने कई लाइनें कही हैं कि सरकार ने जो वादा किया था ये चीज़ें करना, उसको भी आपने इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। देखो सर, क्योंकि मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ, जिस गरीब लोगों के साथ में रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं ये दर्शा रहा हूँ क्योंकि जनता बोल रहा है। मतलब जैसे आप हैं तो आप ये सवाल बोल रहे हैं, तो मैं रैपर एक आर्टिस्ट क्या होता? आर्टिस्ट अपना सच्चा दिल की बात लिखता जो उसके माहौल में गुजर रहा है, जो वो देख रहा है, जो चल रहा है, जो सुन रहा है, वही तो लिखेगा। ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल जनता का। हम तो माफी चाहते हैं, जो आम मैं देता हूं, वही लिखता हूं। आम तौर पे सड़कों पे जो लोग गाते हैं या जिनके अंदर वो कला है, शायद उनको स्टेज नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, सोशल मीडिया के जरिए से वो बात बॉलीवुड तक पहुंचती है। और हाल के दिनों में आपने देखा कि बादशाह जैसे सिंगर ने मौका दिया और एल्बम बनाया, ऐसा भी कुछ ख्वाब आपके अंदर है कि आप भी बॉलीवुड में जाए या बादशाह या उस जैसे जो लोग भी है निर्णायक भूमिका में वो आपको मौका दें? जी सर, मैं तो बहुत बहुत दुआ करता हूँ कि जितना भी आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट से पहले एक भाई बनो, भाईचारा निभाओ, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ भाई भाई को मान के आगे बढ़ाते हैं लोग। इसीलिए कहता हूँ जितना भी आर्टिस्ट हो, छोटा हो या बड़ा, सब एक दूसरे का कदर करो। क्यों? अरे सुनो गौर से, सुनो गौर से, भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से, सुनो गौर से, सुनो गौर से, भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से, न तेरा है न मेरा है, अंधेरा तो सवेरा है, शब्द मेरा गहरा है, नहीं ले पदैला, कभी ना ठहरा, सर पैसरा, जो भी कह रहा दिल से कह रहा। क्यों? क्योंकि ना कोई साथ है, कलम मेरे पास है, बहुत मिला दगेबाज, मेरा चढ़ाई मेरा पूरा विश्वास, चलता था सबको लेके साथ, खुद से ही पूछता था एक ही बात, किस पे करूँ मैं विश्वास, या कोई ना देता किसी का साथ। उठा विवाद न्यूयॉर्क 1970 में, अरे गोरे और कालों में तब से चले लगी हिप हॉप की बात, बीट बॉक्सर से डीजे की बात, ग्राफिटी भी बोइंग एमसी है खास, भाई पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक, नहीं है आसिक, मैं ठहरा मंद मिजाज, मेरे गले को ना ठंडक मिला, कहीं भी शुरू हो जाता मैं, सबका कर देता पैंट में गीला। क्यों? हाथ में माइक है, सर पे कैप है, भाई तेरा चलता हिप हॉप स्टाइल है, लोग मुझे कहता था मैं तो सहता था, पहना पापा का टी शर्ट और पैन, चल हट, अरे हाँ पहनना अलग ही रहना है मुझे, क्यों तू बदनाम करता है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, साथ देने वाला साला कोई नहीं होगा, अरे पीठ पीछे करता मेरा बुरा, दोस्तों को बोलकर उन्हें चढ़ाई, मान ले ये बात हिप हॉप ही देगा मत जाके कर बेटा तू मेहनत, ए मेहनत भी करके करेगा क्या, आर्टिस्ट को पागल मनाते यहाँ, मिट्टी मिट्टी बातें बोल कर जाओ, तराजू में तौल दे सोने तौल कर, 5 पेटी 10 पेटी चाहिए कॉल पर, तभी तो आएगा आने वाला टीवी वाले शो पर, सुनो 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 गौर से, सुनो गौर से, भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से, यो तेरा भाई खतरनाक मैरियो पटना बिहार से 8,05,000 से। तो ये मैरियो रैपर है जो राजधानी पटना के युवाओं को खुश करते हैं, और हमेशा शाम को इनकी दुकान पे एक भीड़ होती है, हालांकि ये छात्रों का इलाका है, खास तौर से आप देखेंगे यहाँ ज़्यादातर छात्र बसते हैं, और शाम को इनकी दुकान पे चाय की भी चुस्की लेते हैं, और रैप का जो मज़ा है वो युवाओं में इसलिए सड़ चढ़ कर बोलता है कि रैप का दौर चल रहा है, युवाओं का दौर है, तो खास तौर से सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हीरो बन जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर एक जो कहावत है कि ज़मीन से उठ के आसमान पे चले जाना, तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से कि ज़रूर आप आगे बढ़े, बिहार का नाम रोशन करें, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।